आचार्य जी, हम चाहते हैं कि जब तक आपके घाव नहीं भर जाते आप राजमहल की शोभा बढ़ाएं। हाँ हाँ गुरुवर, चलिए ना, हम वहाँ आपकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे। राणा जी, आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, किंतु हम आश्रमवासी महलों में रह नहीं सकते। कृपा कर इसे हमारी रिश्तेदार मत समझिएगा। आचार्य जी, हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं, इसलिए जब तक आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हमारे राजवैद्य जी आपके आश्रम में आके आपका उपचार करेंगे। ठीक है राणा जी। कुंवर प्रताप, कुंवर शक्ति, आचार्य जी को घोड़े पर उनके आश्रम छोड़ाइए। धन्यवाद राणा जी। कुंवर प्रताप जी, राजराज, अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप हमारे साथ राजमहल चलिए। रावत जी, वैसे तो इब्राहिम खान की मृत्यु हो गई है, परंतु हमें नहीं लगता की बात यहां पर समाप्त हुई है। इब्राहिम खान जैसे पेशेवर हत्यारे का प्रयोग करना यह कोई साधारण बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं राणा जी, हम भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं। इब्राहिम खान जैसे पेशेवर हत्यारे को औजीराज प्रताप की हत्या के षडयंत्र के पीछे लगाने वाला शत्रु निश्चित तौर पर कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही है, और वह अभी जीवित है और अपने अगले वार का अवसर ढूंढ रहा है। रावत जी, राणा जी, हम इस समस्त मेवाड़ को एक किले में बदल कर रख देंगे और इस षड्यंत्र के सूत्र खोजने में हम अपने सुरक्षा तंत्र को इतना कड़ा बना देंगे कि अब शत्रु चाहे नरक में ही जाकर क्यों ना छुप जाए, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। और पता है रानी माँ, तभी मुझे दादा भाई की आवाज सुनाई दी और मैं और गुरुजी उसी दिशा में भागे, और उसके बाद तो सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि अब मैं क्या बताऊं। लेकिन दादा भाई पूरी जान लगाकर लड़ रहे थे इब्राहिम से, और उसी वक्त गुरुजी ने उन्हें तीर मार दिया। हे भगवान, इसका मतलब तो कुंवर प्रताप एक बार फिर बाल बाल बचे। जीजा, सब कुछ जानकर भी आप बार बार ये सब क्यों करती हैं? हम बार बार क्या कर रहे हैं? जैसे आप जानती ही नहीं, आपको अच्छी तरह पता है कि कुंवर प्रताप के प्राण सदा संकट में रहते हैं, उसके बाद भी आप उन्हें गुरुकुल भेजती हैं। एक माँ होकर आपका मन इतना कठोर कैसे है? ये सब कुछ आप इसीलिए कर रही हैं ना, क्योंकि आप कुंवर प्रताप को राजा बनता देखना चाहती हैं। क्या हो जाएगा अगर वो राजा नहीं बन पाएंगे? तो कुंवर शक्ति भी तो होनहार है, योग्य है, इसके बाद भी आप कुंवर प्रताप के प्राण को संकट में क्यों डालती हैं जीजा? कुछ वर्षों के लिए जीजा उनको आप महल में सुरक्षित क्यों नहीं रहने देती? वैसे जीजा, धीर भाई जी बिल्कुल ठीक ही कह रही है ना, अब जब कुंवर प्रताप के प्राण हर समय ही संकट में रहते हैं तो हमारी कुंवर शक्ति भी तो बन सकते है ना मेवाड़ का राजा। सच्चा भाई जी, हमने पहले भी आपसे एक बार कहा है और आज वापस दोहरा रहे हैं, राजकाज के मामलों में बिना सोचे समझे कुछ मत कहा कीजिए आप। राणा जी, हम तो कुंवर प्रताप की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, महल के बाहर उनके प्राण पर हर पल संकट रहता है। पर छोटी माँ, हम तो एकदम ठीक है, देख लीजिए, और भाई शक्ति ने उचित समय पर आकर हमारी बड़ी सहायता की है ना भाई शक्ति? रानी माँ, हमें बहुत भूख लगी है, आइए आइए हमारे साथ। दर्शिराज, हमें आज्ञा दीजिए। वैसे कुंवर प्रताप को गुरुकुल में भेजने का निर्णय हमें भी नासमझी का निर्णय लगता है,
आज कुंवर प्रताप के साथ कुछ भी हो सकता था। क्षमा चाहते हैं हमको। लगता है ये वो लोग हैं जिनके वजूद तक को दुनिया ने भुला दिया है। लगता है किसी को परवाह नहीं है इनकी। मैं भी तो इस समय यही चाहता हूं कि जब तक मैं न चाहूं मुझे भी दुनिया इसी तरह भूली रहे। आचार्य जी अब तो आप जान ही चुके इब्राहिम खान का यहां गुरुकुल में आना और कुंवर प्रताप की हत्या का प्रयास एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमने इस षड्यंत्र की जांच आरंभ करवा दी है परंतु जब तक असली अपराधी पकड़ा नहीं जाता तब तक कुंवर प्रताप का राजमहल से बाहर यहां गुरुकुल में आना सुरक्षित नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं राणा जी कि आप कुंवर प्रताप की शिक्षा बीच में ही छुड़वा देंगे? नहीं आचार्य जी, हम ऐसा सोच भी कैसे सकते। हम तो यहाँ आपके पास एक विनम्र निवेदन लेकर आए कि जब तक परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक आप स्वयं कुंवर प्रताप को राजमहल में आकर शिक्षा दें। क्षमा कीजिए राणा जी, कुंवर प्रताप आपके पुत्र हैं, मेवाड़ के संभाविक नरेश हैं, किंतु हमारे लिए हमारे बाकी विद्यार्थियों की तरह मात्र एक विद्यार्थी हैं। यदि ये महल में आके उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे तो हमारे बाकी विद्यार्थियों के साथ यह अन्याय होगा। रही बात उनकी सुरक्षा की तो हम कई वर्षों से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं किंतु हमारे अनुभव में आज तक ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं आया जिसने अपनी शिक्षा के आरंभ में वो कर दिखाया हो जो कुंवर प्रताप ने कल रात को करके दिखाया। जिस वीरता और साहस से उन्होंने पेशेवर हथियारे इब्राहिम खान का सामना किया उससे उनकी वीरता उनकी मनोशक्ति और बढ़ गई। यदि आप हमारा सुझाव माने तो जिस मार्ग पर कुंवर प्रताप चल रहे हैं उन्हें उसी मार्ग पर चलने दीजिए, करने दीजिए उन्हें संकटों का सामना, तभी आपको कुंवर प्रताप में मेवाड़ के भावी नरेश और विश्वसनीय योद्धा के गुणों का विकास देखने को मिलेगा। सीखने दीजिए उन्हें कि किस तरह बड़े से बड़े शत्रु का सामना किया जाता है, उसे बचा जाता है। राणा जी, कांटों पे चल के ही महान बना जाता है और जब कुंवर प्रताप में महान बनने के सारे गुण हैं तो क्यों महल में छुपाकर उनके गुणों को दबाया जाए। नहीं धीर भाई जी, हमने आचार्य जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि वो राजमहल में आकर कुंवर प्रताप को शिक्षा दे, परंतु उनका कहना है कि ये कुंवर प्रताप के हित में होगा अगर वो गुरुकुल में आकर शिक्षा ले। तो फिर क्या निर्णय लिया राणा जी आपने? यही कि हम अपने आदेशों को आचार्य जी पर थोपेंगे नहीं। कुंवर प्रताप की शिक्षा के मामले में जो भी उन्हें उचित लगे उन्हें करने दिया जाए। पर राणा जी,
कुंवर प्रताप के लिए महल के बाहर संकट बढ़ता जा रहा है। पहले महल के बाहर संकट था, अब तो महल के अंदर भी संकट बढ़ता जा रहा है। हमारा तो आपसे यही सुझाव है राणा जी, के इसके पहले कि महल का ये संकट अनियंत्रित हो जाए, आप उनका सामना करके उन्हें रोक लीजिए। महल के भीतर के संकट, आप कहना क्या चाहती हैं धीर भाई जी? राणा जी, आपने खुद सुना ना सज्जाबेन को, कैसे कुंवर शक्ति को उत्तराधिकारी बनाने के लिए महत्वाकांक्षी। हम समझ नहीं पा रहे हैं धीर भाई जी, हमारे उत्तराधिकारी के विषय को बार बार क्यों उठाया जाता है, जबकि कुंवर प्रताप हर कठिनाई का सामना करके बार बार साबित कर चुके हैं कि वही योग्य उत्तराधिकारी है। राणा जी, हम कुंवर शक्ति की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग ये बातें ना बनाए कि हम कुंवर प्रताप को जो इतना चाहते हैं, इसीलिए हमने कुंवर शक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया। यदि आपकी निष्पक्षता पर कोई उंगली उठाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। तो क्या चाहती हैं आप, क्या करें हम? गुरुकुल में श्रेष्ठा की प्रतियोगिता होने वाली है, कुंवर शक्ति और कुंवर प्रताप में जो भी ये प्रतियोगिता जीते उसे आप उत्तराधिकारी घोषित कर दीजिए। मेवाड़ की राजगद्दी पर कौन बैठेगा इसका निर्णय हम गुरुकुल की शैक्षणिक प्रतियोगिता का परिणाम देख कर लें। तो इसमें बुरा क्या है राणा जी, कम से कम लोग इससे बातें तो नहीं बनाएंगे। ठीक है धीर भाई जी, अभी उस प्रतियोगिता में कुछ माह बाकी है, देखते हैं उसमें क्या होता है। आप सबको इस बात का बोध है कि कुंवर प्रताप पर प्राणघातक आक्रमण हुआ था, किंतु इस बात से ना ही आपको डरने की और ना ही आपको घबराने की आवश्यकता है, बल्कि आप इसे कुछ नया सीखने का सुअवसर समझें। और वो कौन सी नई बात सीखने योग्य है? जब हमें शत्रु दिखाई ना दे, केवल उसके होने का आभास हो, तो मात्र ध्वनि से किस प्रकार हम संभावित आक्रमण से सफलतापूर्वक बचाव करेंगे? इस युद्ध विद्या को कहते हैं ध्वनि भेदन विद्या। यह विद्या प्राचीन काल से चली आ रही है और योद्धाओं के लिए आज भी यह विद्या उतनी ही आवश्यक है जितनी की प्राचीन काल में थी। गुरुवर, हमने अपने दाजीराज को इसका अभ्यास करते हुए देखा है राजमहल में। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी राज शक्ति? आप जाइए ना, अपने राजमहल में ही सीखिए यह पाठ। बेनीदास, अपनी जीवा पे नियंत्रण रखें, नहीं तो आपको घर भेजने के विषय पे हमें अवश्य ही सोचना पड़ेगा। अब आप सब अपनी अपनी तलवार, ढाल और आंखों की पट्टी लेकर यहाँ पंक्ति बना के खड़े हो जाएं। भाई शक्ति, बेनीदास की बात का बुरा मत मानिएगा, वो तो यूं ही हास परियास कर रहे थे। दादा भाई, हम यहाँ मित्र बनाने नहीं, एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने आए हैं। और प्रताप, यही सीखना है आपको, युद्ध के मैदान में शत्रु कब, कैसे, किस दिशा से आप पर वार कर दे कोई नहीं जानता। चालाक शत्रु कभी मित्र का चेहरा पहने तो कभी छिप कर वार करेगा। सोच लो, बहुत दर्द होगा इस उपचार से। कोई बात नहीं, होने दो दर्द, तुम लगाओ लगाओ। अल्लाह ने चाह तो एक दिन किसी को इससे 100 गुना ज्यादा दर्द पहुंचाऊंगा मैं। लगाओ, एक और लगाओ, लगा लगा लगा। इतने छोटे से काम के लिए इतनी स्वर्ण मुद्रा है? अभी काम पूरा कहाँ हुआ है, अभी तो चेहरे का उपचार बाकी है। लगा, चेहरे पे लगा। तुम जो कुछ मुझे करने के लिए कह रहे हो उससे तुम्हारा चेहरा मोरा पूरी तरह से बदल जाएगा।
पहचान नहीं पाओगे तुम अपने आप को। मेरी पहचान मेरे मकसद से बड़ी नहीं है। करो, उपचार करो, करो। सर्वोत्तम अभ्यास कुमार शक्ति, थोड़ा और अभ्यास कर लें तो आप इस विद्या में पारंगत हो जाएंगे। कुमार शक्ति ने सर्वोत्तम अभ्यास किया क्योंकि वे हर पल संभावित आक्रमण के लिए सचेत थे, अर्थात हर क्षण वे संभावित आक्रमणकारी से एक पग आगे थे। प्रताप, अब आप अभ्यास आरंभ करें। जी गुरु। ठहरिए, गुरु प्रताप, आप इस अभ्यास को देख चुके हैं इसलिए अब इस अभ्यास को आपके लिए और कठिन बनाया जाएगा। अब आक्रमणकारी पंक्ति में नहीं बल्कि अब वो आपको चारों ओर से घेर के खड़े होंगे और मात्र ध्वनि से आपको आक्रमण की दिशा का बोध लगाना होगा और उसके आधार पर अपनी रक्षा भी करनी होगी। पर गुरुवर, यदि ये सब हमारी चारों ओर पंक्ति में नहीं खड़े होंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हम पर वार कर रहा है? यही तो आपको सीखना है। सभी विद्यार्थी घेरा बनाए। क्या कर रहे हैं आप कुंवर प्रताप? ध्यान कहाँ है आपका? ध्यान को इधर उधर ना भटकने दें। आक्रमण की दिशा में कान लगाएं, एकाग्रचित होने का प्रयास करें, प्रारंभ करें। कटरपाणी जी गुरु, चलाइए। क्या गुरु? ने कहा चिल्लाइए। चक्रपाणी, आप ठीक तो हो ना? चक्रपाणी, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? कहाँ है आप चक्रपाणी? कुछ बोलिए चक्रपाणी। वार! गुरुवर, आप वार! 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 बार, बार। खड़े होइए कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए गुरु, हमसे नहीं होगा। खड़े होइए कुंवर प्रताप। आभास हुआ आपको अपनी भूल का, इस प्रकार आपने एक क्षण के लिए निर्बलता को स्वयं पर हावी होने दिया। अपने मित्र के प्रति लगाव की निर्बलता को शत्रु के संभावित वार से अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि हम जैसा घायल शत्रु भी आप पर हावी हो गया। कुंवर प्रताप, आप में योद्धाओं वाली बुद्धि है किंतु योद्धाओं वाला मन नहीं। इसके लिए आपको अत्यधिक अभ्यास करना होगा।
शांतनु, आज के अभ्यास में कुंवर प्रताप को शून्य अंक दिए जाएंगे।